Welcome to our Recording Club channel. I am Kanchan, leader of the Recording Club. Today is a big day. जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि आज क्या है, आज लुईस ब्रेल यानी लुई ब्रेल जो थे एक खुद एक ब्लाइंड पर्सन थे, उन्होंने एक ब्रेल लिपि बनाई जिसके थ्रू ब्लाइंड पर्सन पढ़ सकते इजीली, जिनको सिखाई जाती है उनको। आज उनका 215वां जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है क्योंकि पहले जो वीडियोस जाती थी हमारे चैनल पे वो थी जो हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं या हमारे ब्लाइंड साथी हैं जो वो उनके अकॉर्डिंग जाती थी। अभी हमने कुछ नया करने के बारे में सोचा है कि जैसे ब्लाइंड पर्सन के साथ साथ ये विजुअल हैं जो उनको भी देख सके और वो लोग इस चीज़ को समझ सके कि हाँ कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनसे सीख सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। एंड तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग जो है, हमने जो प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम की प्रिपरेशन हो चुकी है, चेयर्स लग चुकी है, गेस्ट आने वाले हैं। तो गाइस, डेकोरेशन से पहले मुझे लगता है कि हमें आपको दिखानी चाहिए जो ब्रेल है एक्चुअली में वो है क्या, क्योंकि बहुत लोगों ने उसका नाम सुना है। तो एक बार वापस आपको मैं अंदर लेकर चलूँगी। ब्रेल जो है उसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा जिनके आसपास ब्लाइंड पर्सन्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स भी होते हैं ब्लाइंड्स जो पढ़ाते हैं। तो वो लोग जो जिस तरह से लिखते पढ़ते हैं वो जो एक लिपि है गाइस उसे कहते हैं ब्रेल। तो गाइस ये लुक लाइक दिस ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश प्लस हिंदी ये दोनों हैं गाइस। हमें तो ये समझ में नहीं आएंगी बट जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट डॉट सा कुछ है इस पर। पूरी बुक देख लीजिए आप, इसी टाइप की है, पूरी डॉट टाइप में। हम लोग तो इसे नहीं रीड कर सकते बट जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, जो अनविजुअल पीपल हैं यहाँ पे, वो लोग इसी से उनकी यही बुक्स होती हैं, इसी से वो लिखते हैं, इसी से वो पढ़ाई भी करते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको ऐप के बारे में बताया है, जनरल नॉलेज की वीडियोस में, वो ऐप भी है एक रिकॉर्डिंग क्लब का जो वो लोग यूज़ करते हैं। उस ऐप के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं आज का हमारा फंक्शन, लेट्स गो। आप लोग सोच रहे होंगे हम नीचे लेके गए थे आपको, हम वापस आपको ऊपर ले आए। एक्चुअली गाइज वो गेस्ट अभी आए हैं पर सारे नहीं आए हैं, तो अच्छे से थोड़ा भरा पूरा पूरा हो जाए, वेट करना पड़ेगा आपको। जो हमारा सेलिब्रेशन है वो जरूर दिखाएंगे आपको, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आए, हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें गाइज। बहुत ही फॉर्मल सेलिब्रेशन है लाइक स्पीच एंड एटसेट्रा, बट बोर नहीं होंगे आप क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी। वैसे आप लोगों ने रिकॉर्डिंग क्लब के चैनल पर काफ़ी कुछ देखा है कि क्या है, कन्वेंशंस के वीडियोस हम लोगों ने पोस्ट किए थे, काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोड्स किए हमने जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, बट सब देख सकते हैं। बट इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, पहली बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि एक्चुअली में ये वर्क होता कैसे है, ये काम है क्या। तो गाइज आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसका भी एक मोटो है, क्योंकि आज हमारे ऑफिस में न्यू केबिन बनी है हमारे लिए, जिसका हम कब से दिखाते हैं हम कैसा बना है, क्योंकि अभी तो हम ही देखेंगे, आइए साथ में देखते हैं। वेट कर रहे हैं हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये है हमारा सुंदर सुंदर छोटा सा प्यारा सा केबिन, देख लीजिए आप, दूर से दिखा देते हैं आपको। अभी इसका इनॉग्रेशन होगा एंड ये हमें डोनेशन से मिला है। हाँ, देख लीजिए अभी तक रिबिन भी नहीं काटा है, पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये देख लीजिए सीजर भी पड़ी हुई है यहाँ पे,
अभी काटेंगे। देखिए सर, देखिए गाइस, ये कितना व्यू दिखता है हमारे विंडो से। ये हमारे रूम का व्यू है, फोटो भी देख सकते हैं। गाइस ये बलून्स हम बहुत सारे लाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बचा नहीं पाए इन्हें, तो दो बचे थे तो वो दो हमने यहाँ लगा दिए। ये दो साइड में बिछाने लटके हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि नीचे तो हमें, नीचे आप देख लीजिएगा, नीचे के डेकोरेशन में एक भी बलून नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है छोटा सा, ये देख लीजिए। और हम आपको बताते हैं कि लुईस ब्रेल जी एक्चुअली में कौन है, उनके दर्शन करवाते हैं हम आपको। तो ये देख लीजिए, ये हैं लुईस ब्रेल। माला रखी हुई है, ये हम गेस्ट को और इसके अलावा इनकी फोटो पर भी चढ़ाएंगे जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और कैंडल्स हम जलाएंगे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कैंडल्स यहाँ पर लगी है। ये एक नॉर्मल सा डेकोरेशन नहीं है। देखो मैंने कहा था एक भी बलून आपको नहीं दिखेगा, और नहीं दिख रहा है। देखिए हमें फूट गए हमारे सारे बलून, ये परियां हमने लगा दी उसके बाद। और ये देख लीजिए गाइस, ये जो हैं ये हमारे रिकॉर्डिंग क्लब बॉस हैं हमारे। बहुत डरते डरते हम वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए कैसे काम कर रहे हैं सब कुछ। गाइस अनयूजुअल हैं, लेकिन सब कुछ ये कर सकते हैं, और हमसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साउंड मैनेज कर रहे हैं तो हम सर को डिस्टर्ब नहीं करते। बहुत से गए, काफी मेहमान हमारे आ चुके हैं, और एक बार हमारे गेस्ट आ जाए उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इसी ब्लॉग में। तो एक बार वापस आपको मैं अंदर लेकर चलूंगी। A few moments later। दीदी हैं, ये कॉफी पीने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, हम अभी कॉफी सर्व कर रहे हैं हमारे गेस्ट को। आप भी आ सकते हैं एज अ गेस्ट। एंड हमारा जो व्लॉग है आज का, वो चल ही रहा है। और आई होप, मैं वापस बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो लाइक करें और आगे भी करते रहें। पहले तो पूरी देखें उसके बाद। हाँ पहले देखिए हमने क्या किया है, कैसा बनाया है। अब ये कॉफी ग्लास में डालेंगे। हम व्लॉगिंग कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कैसे होती है। मैंने तो व्लॉग देखा भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। इन्होंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं।
बर्थडे समोसे हैं और मिठाइयाँ हैं। ये हमारे फंक्शन में एक छोटू छोटू सा प्यारू प्यारू सा बच्चा आया है, अभी देखना मैं इसको गोद में उठाऊंगी और ये आएगा। इससे बड़ा खुशी का कोई अवसर नहीं हो सकता और हम सब आपके सानिध्य में चाहते हैं आज के लिए नहीं। ये भी फंक्शन अटेंड कर रहा है, जो भी कुछ आपके मार्गदर्शन में कर सकते हैं, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे समय पर जब भी मौका मिलता है ब्लड डोनेशन कैंप भी ताकि हम कहीं ना कहीं तो अपनी उपयोगिता साबित कर Later. Guys, अभी मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने आपको दिखाया होगा केविन पहले उसके इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे सवाए हुए हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं, अब हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे एंड ये हमारे बॉस आ रहे हैं, बाकी गेस्ट भी आ रहे हैं। मेरा नाम हीरालाल देवासी। अच्छा, तो सर ये सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है? ये है सत्यम शिवम है। अच्छा, मतलब हिंदी है। अच्छा, और इसमें इंग्लिश भी आती है। अच्छा, जो सिक्स डॉट लगे होते हैं आगे पहले से, जो भी अक्षर लिखते हैं ना अपन, ये अक्षर से पहले एक सिक्स डॉट लग जाता है। अच्छा, तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, ये इंग्लिश हो जाती है। हिंदी है वो केवल सिंपल रहता है। अच्छा, जैसे सिक्स डॉट में ब्रेल होती है ना, तो उसके सिक्स डॉट लग गया था समझ लेंगे अपने इंग्लिश है, वो सिक्स डॉट नहीं है तो वो हिंदी है। अच्छा, हिंदी में कितने डॉट्स होते हैं? उसमें भी सिक्स होते हैं, लेकिन अलग खाने में जो खाना होता है ना उसमें परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, मतलब दोनों में कुल मिला के डिफरेंस है दोनों, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा डिफरेंस। अच्छा, तो आप मुझे पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें सबसे पहला लिखा है सत्यम जयते। अच्छा, ठीक है, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते है भारत का राजपत्र। अच्छा, ठीक है, फिर है ये आगे आ गया, इंग्लिश आ गया है देखो। अच्छा, ठीक है, ये अलग अलग लिखा है इसमें। तो आप लेटर बता दीजिए मुझे, क्या लेटर लिखा है? ये लिखा हुआ है जैसे वो लिखते हैं ना एच, ओके, एच लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक, ये जी लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग डॉट लगे हुए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे फ्रेंड्स को बताया कि ब्रेल क्या होता है और ब्रेल कैसे पढ़ते हैं जी। तो थैंक यू सो मच। ओके, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बढ़िया लगा, शानदार प्रोग्राम था, रिकॉर्डिंग क्लब के विषय में और ब्रेल साहब के विषय में दोनों ही। बहुत अच्छा लगा आपको प्रोग्राम? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इंजॉय आया, कल हम जयपुर से निकल रहे थे डायरेक्ट, लेकिन प्रोग्राम के बारे में सुनना बहुत ही अच्छा लगा। सौभाग्य रहा कि अजमेर में फर्स्ट नाइट रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप में से जुड़ने में मिली। अच्छा, और खाना कैसा लगा? नहीं, सब कुछ अच्छा ही रहा, बेस्ट। कोई कमी तो नहीं थी खाने में? समोसा टेस्टी था ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा था और साथ साथ में मिठाई भी अच्छी थी। ये हुई बात, बाय बाय। सब लोग जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उन्हें बाय बाय करेंगे। कंचन दीदी बाय बाय करो, बाय। और आप सबको भी बाय। ये हमारा एंड है आज के लिए, इतना ही। वैसे वो जो डॉट वाली बुक मैंने आपको दिखाई थी ना, वो जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि ये कोई कैसे पढ़ सकता है, बट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वो उस बुक को पढ़ सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक टैलेंट है। वो खाली फिंगर्स से उनको टच करके और फील करते हैं कि उस पर क्या लिखा है और वो उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। कुछ जैसे हम लोग तो बचपन में गेम खेलते थे कि मैं पीछे एक लेटर लिखूंगी, पीछे मुड़ के, और ये मैंने लेटर लिखा और ये ऐसे और पहचानो ऐसे करके।
तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज ये लोग जितने भी यहाँ पर आए थे ये सब वो हैं जो रिकॉर्डिंग क्लब को कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे करते रहें। हम यही उम्मीद है इन लोगों से भी और आप सबसे भी है। गाइज अगर आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ हमें डोनेट करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई आपके फैमिली में या फ्रेंड में कोई है जो ब्लाइंड है और बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके, हमारा मेन मोटो यही है कि हम अवेयर करें। जैसे उसे कोई चीज़ है, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने के लिए। बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है जो तुम सीख सकते हो, इजीली में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो जॉब, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। और रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऐप है जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो प्ले स्टोर से वो आप उन्हें डाउनलोड करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम नंबर्स आपको देंगे, ऑफिस नंबर रिकॉर्डिंग क्लब का, अगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप कमेंट में हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था, तो हम चाहेंगे कि हमें आपसे हमें भी अभी आइडिया नहीं है कि कितना अच्छा गया है कितना अच्छा नहीं गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है हमारा पहला ब्लॉग, और अगर ये सक्सेस होता है तो हम और ब्लॉग्स आगे लेकर आएंगे, आपको बताएंगे एंड और इससे अच्छा करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।